कैसे हैं आप सब? ऐसा कोई और बोलता है। ओके, सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव, जो भी आप मेरे से प्यार करते हैं, जितना आप मेरे को शेयर करते हैं, जितना आप सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक ने और जिस बीमारी ने दुनिया की नींदें उड़ा रखी है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, क्या कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बन चुकी है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। सारे पॉइंट्स, सारे जो मार्केट के संकेत हैं, जो भी न्यू बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी न्यूज है, तो सबको कॉलेबरेट करके हम खुद नतीजे पे पहुंचेंगे और हम रिव्यू करेंगे कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बनी है या नहीं बनी। साइन है, वो साइन है मार्केट। अब आप बोलोगे यार मार्केट का कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन से क्या लेना। देखिए होता है क्या है कि सारा जो पूरी दुनिया है वो इंटरकनेक्टेड है। मार्केट के अंदर जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के बारे में जो एस्ट्राजेनेका की जो इन्फॉर्मेशन आई, तो एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव वाइब बनी और उसके चलते दौरान पूरे के पूरे मार्केट के अंदर एक ग्रोथ देखी गई। यहां तक कि हमारा जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट 550 पे क्लोज हुआ, जो कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जाकर बंद हुआ। जैसे ही मार्केट के अंदर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनेका जो लैब है उन्होंने एक वैक्सीनेशन को तैयार कर लिया है, तो एक पॉजिटिव वाइब फैल गई पूरे के पूरे मार्केट में और उसके बाद एक नेचुरल ग्रोथ देखने को मिला पूरे मार्केट के दौरान। होता क्या है, लैंसेट, द लैंसेट है एक न्यूज़पेपर है, द लैंसेट है जो एक रिपोर्ट बनाती है। जितने भी आपके रिसर्च होते हैं, मेडिकल रिसर्च होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जब भी वो कोई रिसर्च करते हैं तो उसका पूरा एक जनरल, जो जैसे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं तो वैसे एक जनरल आता है द लैंसेट। लैंसेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इतना पुख्ता होती है कि WHO भी उस चीज़ को मना नहीं कर सकता। तो लैंसेट ने एक रिपोर्ट निकाली, जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई गई वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 2 ट्रायल्स जो ह्यूमन ट्रायल्स है उसको कंप्लीट कर चुकी है और अब वो 3rd ट्रायल के अंदर पहुंच चुकी है। लैंसेट के एडिटर इन चीफ से पूछा गया कि इस वैक्सीनेशन के बारे में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दुनिया को दी वो ये बताए कि ये जो वैक्सीनेशन है ये वेल टॉलरेटेड है, मतलब इसको आपकी बॉडी आराम से टॉलरेट कर लेती है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। सेकेंड, ये यूजफुल है। तीसरा, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि असरदार है। इससे जब भी हम इसके अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो हमारे को हार्मोन्स चाहिए या टी सेल्स चाहिए या बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनाती है उसका जो मात्रा है इम्यून सिस्टम को डबल कर देती है, मतलब इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज है उसको डबल कर देती है ऑलमोस्ट। तो ये जब रिसर्च आई और ये जब उनकी स्टेटमेंट आई तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मान लिया कि ऑलमोस्ट 99% तो ये वैक्सीनेशन रेडी हो चुकी है। उन्होंने ये बताया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइल्ड हैं, जैसे कि सर दर्द और बुखार होना, जुखाम होना, और साथ ही साथ में कुछ पेशेंट्स हैं उनको जहाँ पे ये टीका दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी महसूस होती है, यू नो, और वो भी 2 से 3 दिन के अंदर वो स्वेलिंग जो है जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाती है। तो लोग ये पूछेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन बनी कैसे है और ये कहाँ से आई है। तो जो वैक्सीनेशन है ये ऑलमोस्ट एक सर्दी का जो वायरस होता है उसको कमजोर कर बनाया गया है, और साथ ही साथ में इस वायरस से क्या होता क्या है कि इस वायरस से जो चिंपैंजीज एंड मंकी हैं उनके अंदर कॉमन कोल्ड होता है, उनको कॉमन कोल्ड की एक इशू बन जाता है, कॉमन कोल्ड होता है जो कि नॉर्मली चला जाता है। जेनेटिकली इसको बदला है, पूरा का पूरा जेनेटिकली है, वहां से मंकीज या जो चिंपैंजीज हैं उनसे जेनेटिकली इसको लिया, वहां से इसको बदला और वहां से इसको एक वैक्सीनेशन का रूप दिया गया जो कि अब इंसानों के ऊपर ट्रायल की सिचुएशन में चल रहा है। अब बहुत सारे लोग जिनको ये नहीं पता कि ये जो ट्रायल है ये कब हुए और इस ट्रायल के अंदर कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रायल है ये स्टार्ट हुआ 23rd of April एंड ये चला 21st May तक। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1077 रैंडम पीपल, रैंडम मतलब अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोग, अलग 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 मतलब हार्मोन्स वाले, अलग अलग सिस्टम वाले, इन सभी लोगों को बुलाया गया, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स वाले, इन सभी को रखा गया और 1077 लोगों ने इस टेस्ट में शामिल हुए। और जितने भी रिपोर्ट्स आए अभी तक, जो सेकंड फेज के जो रिपोर्ट आए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं, बस हल्के से माइल्ड जो सिम्टम्स हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था वही सिर्फ देखने को मिले। और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, उसने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट के अंदर निकाला कि जिन भी लोगों को यह वैक्सीनेशन दिया गया है उसके अंदर
जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का जो लेवल है, जो एंटीबॉडीज और टी सेल है, वो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ऑलमोस्ट डबल कर देती है किसी भी वायरस के अगेंस्ट में। साथ ही साथ में जो अमेरिका में डॉक्टर एंथनी है, जो कि उनके राष्ट्रीय सलाहकार हैं जो मेडिसिन को लेकर, उन्होंने बोला और उन्होंने दावा किया कि ये जो मेडिसिन है, जितने भी दुनिया के अंदर मेडिसिन और जितने भी वैक्सीनेशन इस टाइम पे ट्रायल पे है, ये वैक्सीनेशन सबसे पहले अपने मुकाम तक पहुंचेगी और इसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जनरल के अंदर भी एक पूरे का पूरा पैराग्राफ आया और उन्होंने ये पाया और उन्होंने ये लिखा कि जितने भी लोगों को, जितने भी वॉलंटियर्स को इस वैक्सीनेशन को दिया गया है, उनके अंदर एंटीबॉडीज तो बनी ही बनी, साथ ही साथ में टी सेल भी बने। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार टी सेल क्या होता है, तो टी सेल का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन या कोई सेल कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, तो टी सेल उस हार्मोन को और उस सेल को जाके वहीं पे खत्म कर देगा, तो मतलब आपकी बॉडी से उस सेल को निकाल ही देगा। अभी जो थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल है, ये कहां पे चल रहा है, कितने लोगों पे चल रहा है, तो ये जो थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल है ऑलमोस्ट 10,000 लोगों पे चल रहा है, 10,000 पीपल इन टोटल। कहां कहां पे चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है, ब्राजील में चल रहा है एंड साउथ अफ्रीका में चल रहा है। ऑलमोस्ट अगले हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने भी इस चीज को अनाउंसमेंट कर दी है कि उन्होंने 30,000 वॉलंटियर इकट्ठे कर लिए हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीनेशन को यूज किया जाएगा, और जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे इन 1 वीक और 2 वीक्स वो उसको पूरी की पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि यार ये सब चीजें तो चल रही है, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो आप तुम भी एक बात क्यों बोल रहे हो कि ये जो वैक्सीनेशन है ये बन चुकी है और ये जो वैक्सीनेशन है यही यूजफुल है, सब कुछ है। देखिए होता क्या है कि मार्केट के अंदर या जितने भी लोग हैं, जितने भी नेशंस हैं, वो पागल नहीं है, वो एक पूरी सोची समझी रणनीति के साथ काम करते हैं। यूरोप वैक्सीनेशन अलायंस ने, जो यूरोप वैक्सीनेशन अलायंस है, उसने 40 करोड़ डोजेस पहले से खरीद ली है, 30 करोड़ अमेरिका ने खरीद ली है, 10 करोड़ ब्रिटेन ने खरीदी है, और ऑलमोस्ट जो एस्ट्राजेनेका और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो बीच में जो इन्होंने एक समझौता किया है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2 अरब डोजेस पहले से ही बिक चुके हैं। जो मेन चीज़ ये है कि जो थर्ड स्टेज और जो थर्ड ट्रायल स्टेज हम बोलते हैं, अब इस थर्ड ट्रायल स्टेज के अंदर क्या मापदंड होते हैं या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, क्यों, अगर किस वजह से ये जो ट्रायल है फेल हो सकता है, तो जो इसका मापदंड है या जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर 50,000 लोग के ऊपर ये ट्रायल हुआ है उसमें से अगर एक को भी कोई सीवियर सिम्टम्स आते हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो क्यूरेबल नहीं है, तो इस ट्रायल को वहीं पे रोक देंगे। बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिसर्च वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड फेल्स इन थर्ड स्टेज ह्यूमन ट्रायल के अंदर, जब वो पहुंचते हैं एक बड़े मापदंड पे, एक बहुत ही बड़े लेवल पे इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। लेकिन ना बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव है, और हमारे यहाँ पे तो कहावत भी है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो हम सबको भी यही उम्मीद करनी चाहिए और हम सबको भी यही प्रे करना चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशन है ये फेल ना हो। और क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी लिखा गया है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो अप्रैल के अंदर ही, और जो रशिया के जो वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अप्रैल के अंदर ही एक वैक्सीनेशन जो रशिया ने डेवलप किया है वो लगवा लिया था और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है हमें उसके अंदर तो घुसना नहीं है। और साथ ही साथ में WHO के यहाँ से भी रिपोर्ट आती है हर बार, वो कहते हैं कि 2021 से पहले कोई भी वैक्सीनेशन मार्केट में नहीं आएगी। अब मुझे नहीं पता WHO का क्या लॉजिक है, क्योंकि WHO का लॉजिक हर रोज हर दिन सुबह शाम चेंज होता रहता है। तो आई पर्सनली, मेरा जो खुद का व्यू है, आई डोंट बिलीव इन WHO। अगर WHO चाहता तो ये कभी भी इश्यूज या कभी भी जो वायरस है ये कभी भी नहीं फैलता, अगर वो चाइना को फेवर नहीं करता, और ये सबको बताया कि उसने फेवर किया है, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो चलिए हम यही उम्मीद रखते हैं और हम यही एक प्रार्थना करते हैं भगवान से भी कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर हैं जो इस टाइम पर लड़ रहे हैं एक वैक्सीन को बनाने में, और जितने भी ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो और हम जल्दी से इस बीमारी से, इस कैद से, इस बीमारी की कैद से बाहर आ सकें और नॉर्मल अपने जीवन को जी सकें। साथ ही साथ में चलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मेरा कोई बात अच्छी लगती है कोई बात बुरी लगती है, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।